हे गाइस, वेलकम बैक टू माय दीदी चैनल। गाइस आज हम जाने वाले मॉल, और गाइस आज हम मेरी दीदी और जीजू के साथ अब मॉल जा रहे हैं। ओ गाइस, अभी जो हमने यहाँ से कट लिया, वो जो राइट हैंड को कट गया था, वो जीता जाता है सीधा पंतनगर को, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी। 3, 2, 1 गो। ये अभी का ये देखो, इन्होंने अपना सेटअप ऑलरेडी बना लिया है। क्या ऑर्डर किया, कुछ ऑर्डर किया है? हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका ढेर सारा वेलकम है। आज हम जा रहे हैं मेट्रोपोलिस मॉल, जो रुद्रपुर में है। चाचा, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी सिस्टर, मेरा भाई, हम जा रहे हैं घूमने सभी लोग। निकल चुकी हूँ मॉल के लिए। हाँ, चाचा है, बहन है, दोनों भाई भी है, साथ में हस्बैंड भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय दीदी चैनल। गाइस आज हम जाने वाले मॉल, और गाइस आज हम मेरी दीदी और जीजू के साथ अब मॉल जा रहे हैं। और गाइस मॉल में हम वो कह रहे थे गेमिंग जोन जाएंगे, और गेमिंग जोन में अलग अलग तरीके के गेम्स खेलेंगे। और ये मेरी दीदी मीनाक्षी दीदी है। दीदी आपको क्या करना है उधर जाके? मैं घूमूंगी, शॉपिंग करनी है। अविका को क्या करना है? और अविका आपको क्या करना है? राइडिंग करनी है, खेलना है, और क्या? और अविका को चीजी भी तो खानी है। हाँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है भैया के थार में। मजा आता है, एसी चली होती है क्यों? और गाड़ी में भी तो एसी होती है, पापा वाली गाड़ी में भी तो एसी होती है। सब पापा वाली गाड़ी में गैस, ये है अशोक वाटिका। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लॉट्स मिलते हैं, और रेट भी इनका बहुत जायज है, और है भी बहुत अच्छी लोकेशन पे। ये रुद्रपुर में पड़ता है, जो रोड बुरा रानी के साथ में जाके आगे टच होता है, मेन रोड हल्द्वानी वाला, उसी के बीच में पड़ता है ये। और इसके साथ में रेलवे क्रॉसिंग भी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू है, और वैसे भी शाम का मौसम हो रहा है, और ठंडा मौसम है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, और मौसम वैसे भी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है घूमने के लिए। सो इसलिए हम जा रहे हैं घूमने थार में। भाई ने नई थार ले रखी है, ये पॉली हाउस है, अंदर वेजिटेबल्स वगैरह है। सो गाइस, ये है पंतनगर साइड का एरिया, यहाँ ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में आता है रुद्रपुर में। ये है अशोक लीलैंड, यहाँ नए नए ट्रक्स, गाड़ियाँ, बसेस यहाँ बनती हैं, और ये पंतनगर की यूनिट है सभी। और रुद्रपुर में ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज खुली हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली हैं, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिला है। उत्तराखंड एरिया इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, जो लोग यहाँ से जो भी छोटे मोटे काम थे वो छोड़ के बाहर जाते थे काम करने के लिए, देहरादून साइड, दिल्ली साइड, मतलब कहीं भी जाते थे यहाँ का उत्तराखंड एरिया छोड़ के। अब उनका जल्दी छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ ही उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और यहीं पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, लोकल में पड़ता, आने जाने में इतना टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं चौराहे पे, जो कि जाता सीधा हल्द्वानी को कट यहाँ से, और रामपुर को, और इधर जिस रोड से हम आए हैं ये जाता सीधा दिनेशपुर और गदरपुर को। सो अभी हम जा रहे हैं मॉल। ओ गाइस, अभी जो हमने यहाँ से कट लिया, वो जो राइट हैंड को कट गया था, वो जीता जाता है सीधा पंतनगर को, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो नहीं मिलती, लेकिन नेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं, जैसे मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, जो भी अच्छे अच्छे, अमृतसर के लिए। आप यहाँ पूरे इंडिया में वहाँ से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो गाइस, हमारी लोकेशन आ चुकी है मेट्रोपोलिस मॉल, और या ओमैक्स मॉल भी बोल सकते हैं हम इसको। ये काफ़ी सारा पोर्शन इसमें रिलायंस के अंडर में आ गया है। और जिस दिन पापा और मम्मी के साथ में मैं और मनमीत मूवी देखने आए थे, ये वही मॉल है आपको अंदर का। आज किड्स जोन दिखाएंगे, उस दिन आपको सिनेमा जोन दिखाया था, आज आपको दिखाएंगे किड्स जोन। ये दिवाली की सेलिब्रेशंस में उन्होंने लाइट्स वाइट्स लगा रखी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा दिन और डाउन होगा, जब अंधेरा और ज़्यादा हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ बर्गर किंग, KFC भी है अंदर, और इजी बॉय, और सब इसमें मिल जाएंगे। और ये उसी के साथ में पड़ता है रेडिसन ब्लू होटल। ये चाहते 3 स्टार है, 5 स्टार है रेडिसन ब्लू, आई थिंक 5 स्टार है ये होटल है। ये रेस्टोरेंट बहुत तगड़ा रेस्टोरेंट, जाना माना, इसका अच्छा खासा नाम बिकता है भाई इसका। और बड़े बड़े लोग जब
मुंबई से दिल्ली से ट्रैवल करके आते हो तो यहीं रुकना पसंद। शायद हमें लेने पड़ेगा यू टर्न। अब हम ले रहे हैं यू टर्न। ये है उसका गेट। गाइस हम जा रहे हैं बंदर, जा रहे हैं पार्किंग में। अभी पहले यहाँ से एक टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी के लिए बोल सकते हैं उसको। हर एक जगह आपको ये पार्किंग की रिसिप्ट मिलती है, तो रिसिप्ट मिलती है वो हम अभी देंगे। तो भैया नंबर नहीं आनी उठा करके कर देना। जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में, पार्किंग है यहाँ की सब। ये है बाइक की पार्किंग इधर, और इधर ना इसमें वॉशिंग एरिया भी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं गाइस। ये ना इस इधर, ये सब इधर वॉशिंग एरिया है ये इनका। ये सब पार्किंग है, ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ जब तक आप अपना एंजॉयमेंट करके आते, मूवी शूवी देख के आते, तब तक आपकी गाड़ी चमका देते हैं बिल्कुल। सेरामिक कोटिंग वगैरह भी हो जाती है यहाँ पे। सब सब फैसिलिटीज अवेलेबल है मॉल के अंदर, ए टू जेड मॉल कह सकते हैं हम इसको। गाइस अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, पार्किंग से लिफ्ट में सीधा शॉपिंग एरिया में। यहाँ पे होगी हमारी थोड़ी तलाशी बोल सकते हैं हिंदी में इसको। गाइस ये है हमारे चाचा जी, ये नोएडा में जॉब करते हैं, और दीपावली की छुट्टियों पे ये घर में आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने सोचा कि कल ये भी जा रहे हैं, और हम भी आज का दिन ही आए, तो हमने सोचा चलो आज मॉल घूम के आते, और बच्चे भी जिद कर रहे थे कि पापा मैं घुमा के लेके आओ। सो गाइस एंजॉय कीजिए। गाइस ये है मोबाइल एक्सेसरीज, और ये है आइसक्रीम स्टोर, और ये है मार्केट। तो इतों मिलदिया ने जी पंजाबी जुत्तियाँ, या लक्की जुत्तियाँ कह सकते हैं आप पंजाबी के। सो इधर एक बॉक्स में उन्होंने टैंक डाल दिए, देखो कितने खतरनाक टैंक। और गैस ये है हेल्थ एंड फिटनेस केयर प्रोडक्ट्स, और ये है जाना माना ग्लोबल रिपब्लिक एंड पार्क एवेन्यू। और ये देखो दिवाली का कितना अच्छा सेटअप लगा रखा है इन्होंने, देख सकते हैं। और ये है ट्रेंच, यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यहाँ कपड़े मिलते हैं। शोरूम्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्या सा है इसमें, जैक एंड जॉन्स है, पीटर इंग्लैंड है, चौकी है, और वेनेसन है, इसमें लिस फिलिपी, US पोलो सब मिल जाएंगे आपको इसमें। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये रहा हमारा वेस्ट साइड, और यह विकास कलेक्शन। ये है लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश स्टॉल, ये है US पोलो का शोरूम, ये है बेसमेंट एरिया, और वो है स्पा। और ये है ब्रेनिसन का शोरूम, ये रहा लेडीज के लिए, और ये रहा जेंट्स के लिए। ये रहा हमारा लुइस फिलिपे, वो है एलन सॉलिंग, सब शोरूम लाइन से है। वो रहा रेड टेम्पल एरो का है। और गाइस ये इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो है किड्स जोन एरिया, और उसके ऊपर है मूवी जोन। वो है गाइस सबसे लास्ट एंड टॉप फ्लोर पे वेव सिनेमा। गाइस आदि और अविका हम सब अभी जा रहे हैं किड्स जोन में, आपको दिखाता हूँ। और हाथ सामने किड्स जोन, फनी गेम्स इसमें बहुत सारे, आपको दिखाते हैं अभी अंदर का सब ओवरव्यू। इस अभी हो गया एंट्री का टाइम किड्स जोन में, हम एंट्री कर चुके हैं। पूल टेबल बच्चों के लिए, यहाँ सब बच्चों के लिए यही है, बड़े भी खेल सकते हैं लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। ये है चोको कैंप, ये है गिफ्ट मशीन स्केल्टा, और ये है रेसिंग
है सुपर बाइक, ये है हैमर हेट। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देंगी देखी होंगी इसके ऊपर की, इसके ऊपर बहुत तेजी से हिट करते हैं और जो सबसे तेज से हिट करता है उसका हाई स्कोर हो जाता है। यहाँ पे ये है इधर कार जोन एरिया, बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आता है। आई होप आप सब लोगों ने भी बहुत खेला होगा ये। देखते हैं अभी आदि और रविका को क्या पसंद आता है और वो क्या खेलेंगे। सो चलते हैं। आदि क्या खेल रहा हूँ, क्या खेलोगे आप? और रविका आप, रविका आप क्या खेलोगे, इसमें बैठोगे? ठीक है, इसके लिए हमें कार्ड लेना पड़ेगा और चाचा कार्ड ले रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ मशीनें जो है कार्ड को टच करना पड़ता है तब चलती हैं वो। सो देखिए आदि भागता हुआ जा रहा है सीधा कहाँ, स्किल टेस्टर में। अविका और ये हमारी अविका बैठ चुकी है इसमें। सो अभी कार्ड होगा स्वाइप। सो ये अविका, थ्री टू वन गो। सो गाइस अविका बैठी है अभी हेलीकॉप्टर में। अविका ये गाइस दादी बैठा है अभी बाइक रेसिंग में। हम किड्स जोन से निकल चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम टॉप फ्लोर पे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू यहाँ ऊपर से। फन टाइम हुआ बच्चों का ख़त्म और हमें लग रही छोटी छोटी सी भूख और बच्चों को भी। सो हम जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए। हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। ये देखो इन्होंने अपना सेटअप ऑलरेडी बना लिया है। क्या ऑर्डर किया, कुछ ऑर्डर किया है गाइस? हमने ऑर्डर किए हैं वेज कीमा मोमो, तंदूरी मोमो और कुरकुरे। तो गाइस हमारे कुरकुरे मोमो आ चुके हैं और तंदूरी मोमो भी हमारे आ चुके हैं, हमारे कीमा मोमो आने वाले। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में वापस और खाने पीने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत अच्छा व्यू है, देखिए कितने लाइट्स लगा रखी हैं, दिवाली के टाइम की लगी हुई हैं, बहुत अच्छी सजावट कर रखी है लोगों ने, देख सकते हैं आप। हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर और मम्मी डिनर रेडी कर रही है, डिनर पे मिलते हैं। गाइस मम्मी ने दाल बना रखी है और इसमें भी दाल है और इसमें चावल है और मम्मी ने इसे बना रखी है मिक्स सब्जी। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ डिनर के लिए और मैं कर रही इसी के साथ ब्लॉग के एंडिंग। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए रखना अपना ध्यान, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय, टेक केयर।